बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम पकाएंगे जी टीले गोश्त बना रहे हैं, और ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको। आज मैं किसी के घर गया हूँ तो वो ये बना रहे हैं रेसिपी, तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा कि टीले गोश्त किस तरह बनते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और हमारी वीडियो को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि टीले गोश्त किस तरह पका रहे हैं ये, और इसमें कौन कौन से अज़ा यूज़ होंगे। इस जगह पर हमने जी अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक कप कुकिंग ऑयल डालकर हम इसे भून रहे हैं। हमने पहले ही डाल लिया, आपको दिखाना भूल गए हैं। थोड़ा सा अंदर कलर चेंज होएगा ना, लाइट ब्राउन हो जाएगा। हां, फिर में इसमें प्याज पा रहे हैं, और मैं ग्राइंड करके रखे हैं, मैं जल्दी में आने वाली हमने इसे जी 5 मिनट मजीद भूना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की। 5 मिनट भूनने के बाद घी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम अपने मसाला जार डालने लगे हैं। नमक 2 चम्मच हो गए, मिर्च 1 चम्मच, लो जी काबुली मिर्च भी आ, चिली फ्लेक्स, मेथी, सफेद जीरा भी 1 चम्मच ना, तकरीबन 1 किलो, 1 किलो पानी होएगा जी। एक पता भी नहीं चलता क्या रोज तो जीरा महंगी है। 1 केजी पानी पाया जी, असी आप इससे ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। ये 10 मिनट वास्ते वेट लाता जी। ले 10 से 15 मिनट बाद हमें खोलना है। तैयार ही हूँ, टींडे हमारे गल चुके हैं जी, गोश्त पहले ही हमने भून लिया था, वो भी तैयार था। अब इसके अंदर हम फ्रेश धनिया इस्तेमाल डालने लगे हैं। ले जी हमारी टीले गोश्त की डिश अब रेडी है। ये मैं आज गया हुआ था अपनी कज़न की तरफ, तो उन्होंने बनाया था ये टीले गोश्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।